नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 6 तरीके बताने जा रहा हूं किसी भी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए। मिनिमाइज़ का क्या मतलब होता है? छोटा करना या न्यूनतम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक नोटपैड आपने ओपन किया और यहाँ पर जो ये माइनस जैसा चिन्ह देख रहा है ना, इसको कहते हैं मिनिमाइज़। अगर आप जैसे पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो गया या छोटा हो गया या न्यूनतम हो गया। तो ये सब 6 तरीके हैं उसके द्वारा आप किसी भी विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। 6 कौन कौन से तरीके हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। नंबर एक पे दोस्तों जो तरीका है वो सबसे प्राचीन तरीका है। बस इस पर क्लिक कीजिए, लेफ़्ट क्लिक, ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। सभी लोग यही तरीका अपनाते हैं, लेकिन इसके बाद भी 5 तरीके और बाकी कौन कौन से चलिए जानते हैं। दूसरा, नंबर 2, अगर आपके कंप्यूटर में ये डॉक्यूमेंट ओपन है या और भी कुछ डॉक्यूमेंट ओपन है, जैसे कि एक और ओपन है और इन सभी को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, चलिए एक और ओपन कर लेते हैं, इन सभी को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो जो मेरा ये जो लाल एरो देख रहे हैं ना आप, इसको आपके कंप्यूटर मॉनिटर कोने में ले जाइए और क्लिक कर लीजिए, ये सभी मिनिमाइज़ हो जाएंगे। वापस क्लिक कर लीजिए या वापस आ जाएंगे। ये नंबर 2, इसका उपयोग भी कुछ बंदे करते हैं, स्पेशली मैं तो काफ़ी समय से इसका उपयोग कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में दोस्तों क्या है कि अगर आप इस पे आपके जैसे 2-3 डॉक्यूमेंट ओपन है, विंडोज़ ओपन है, और आप चाहते हैं कि ये विंडोज़ रहे और बाकी सब मिनिमाइज़ हो जाए, तो इसको आप थोड़ा सा हिलाइए या शेक कीजिए। देखिए, ये ऐसे शेक करेंगे तो बाकी सभी मिनिमाइज़ हो जाएंगे, जो एक्टिव विंडोज़ है वो नहीं होगा। वापस शेक कीजिए, वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ नंबर 3। अभी बात करते हैं नंबर 4, जो वाला शेक वाला ऑप्शन है क्या दोस्तों, ये हमने माउस से किया। अगर ये ऑप्शन आप अपने कीबोर्ड से करने चाहते हैं तो विंडोज़ प्लस होम बटन दबा दीजिए, बाकी सब मिनिमाइज़ हो जाएंगे केवल आपके एक्टिव विंडोज छोड़कर। तो ये हो गया नंबर 4। अब बात करें नंबर 5, लेकिन दोस्तों नंबर 5 पे अगर आप इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हैं आपके कीबोर्ड के द्वारा, तो विंडोज़ और एरो डाउन बटन दबा दीजिए, ये भी मिनिमाइज़ हो जाएगा आपके कीबोर्ड द्वारा। माउस की जरूरत नहीं है, अगर माउस हैंग हो जाता है कीबोर्ड है आपके पास, अगर माउस हैंग हो जाता है तो कीबोर्ड है आपकी मदद करने के लिए। ये हो गया नंबर 5। अभी बात करने जा रहे दोस्तों नंबर 6। नंबर 6 पे दोस्तों ये तरीका भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अल्टर स्पेस दबाइए, एक छोटी सी मेनू ओपन हो जाती है। इस मेनू में आने के बाद में आप जो एरो बटन है उससे या फिर माउस की सहायता भी आ सकते हैं, एरो बटन दबाइए और मिनिमाइज़ पे आ जाइए और एंटर दे दीजिए, इससे भी आपका विंडोज़ मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये 6 तरीके हैं, इसके द्वारा आप आपके कंप्यूटर में मिनिमाइज़ कर सकते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। जब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।